फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9 लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन से मैसेज सेंड नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन से मैसेज सेंड नहीं हो रहा है ना, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इस ऐप में नीचे की साइड आपको ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है, इसे टैप करना है, ठीक है। अब देखिए इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपका जो मैसेज का ऐप है ना, इस मैसेज के ऐप को उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें देखिए ऐप इन्फो लिखा है ना, ऐप इन्फो पे टैप करना है, तो आपका मैसेज का ऐप इन्फो का पेज आता है। इसमें आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस वाले पेज पे आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।